से पहले खबर आपको ग्वालियर से बता दें, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। महिला सहित तीन लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। महिला समेत तीन लोगों की मौत हादसे में हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है। घाटी गांव थाना क्षेत्र के सिरसा गांव हाईवे पर यह हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है। अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी प्रहलाद सिंह, फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रहलाद, कैसे हुआ यह हादसा, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें तीन लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला है और दो अन्य पुरुष हैं। बताया जा रहा है जो मृतक है उनमें माँ बेटे शामिल है, एक उनका एक रिश्तेदार है। सभी थाटीपुर थाना क्षेत्र के निवासी है, मयूर नगर इलाके के रहवासी है। भोपाल से ग्वालियर लौट रहे थे, शायद रास्ते में ड्राइवर की नींद लग गई और गाड़ी पीछे से ट्रक में जाकर घुस गई। इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने अस्पताल जाते हुए दम तोड़ दिया, बाकी एक अन्य व्यक्ति जो है वो घायल है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो फिलहाल जो निकल कर सामने आ रहा है वो यही है कि ड्राइवर की गलती से ये हादसा हुआ है, कार के चालक की गलती से। चलिए, शुक्रिया प्रहलाद आपका इस जानकारी के लिए। तो कार चालक की गलती बताई जा रही है, लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा ग्वालियर में हुआ है। तीन लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है।